అమోదీ సభలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. హమారీ సర్కార్ నే జో వికాస్ కార్య కియే ఆజ్ ఉన్కో ఔర్ విస్తార్ దేనే కే లియే మే ఆప్కే బీచ్ ఆయా హూ ఔర్ మేనే దేఖా కి ఆజ్ భీ హమారా స్వాగత్ కర్నే కే లియే మేఘరాజా నే భీ కృపా కీ హై. और मुझे बराबर याद है 98 में अटल जी के साथ यहां मैं जनसभा कर रहा आया था और उस दिन भी बड़ी भारी बारिश हुई थी. सारी व्यवस्थाएं तहस नहस हो गई थी और तब से लेकर के मैं लगातार किसी न किसी संगठन के काम के लिए अमेठी आता रहा. प्रधानमंत्री बनने के बाद आज फिर एक बार आपके बीच आने का अवसर मिला है. ।2014 में चुनाव के समय हमने कहा था सबका साथ सबका विकास. अमेठी के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अमेठी एक उत्तम उदाहरण है हमारे सबका साथ सबका विकास के मंत्र का. और जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो मैं तब भी कहता था, आज भी कहता हूं, जिन्होंने हमें वोट दिया वो भी हमारे हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी हमारे हैं, जिन्होंने सीट हमें दी वो क्षेत्र भी हमारा है और जिन्होंने हमें सीट नहीं दी वो क्षेत्र भी हमारा है. और आज 5 साल के बाद मैं अमेठी के नागरिकों के सामने नतमस्तक होकर के बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि बहन स्मृति ईरानी जी उम्मीदवार के रूप में आपके बीच आई थी, आपके लिए नया चेहरा था, नया परिचय था, लेकिन आपने बहुत आशीर्वाद दिए. भले हम चुनाव समय नहीं जीत पाए लेकिन आपका दिल जीतने में हम सफल हो गए. आपने इतना प्यार दिया कि 5 साल से स्मृति जी ने इतनी मेहनत इस क्षेत्र के विकास के लिए की है, कभी आपको ये लगने नहीं दिया कि आपने उनको हराया है या जिताया है, जीते हुए से ज्यादा काम करके दिखाया है. मैं जरा अमेठी के लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या आप हमारे काम से संतुष्ट हैं? क्या हमने आपकी चिंता की है? क्या हमने आपका भला करने का ईमानदारी से प्रयास किया है? कहीं पर रत्ती भर भी हमने कोई अन्याय किया है? पूरी तरह न्याय किया है? यही सबका साथ सबका विकास मंत्र है हमारा. थोड़ी देर पहले अमेठी के विकास से जुड़ी सैकड़ों करोड़ इस परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है. इसमें स्कूल, सड़क है, चिकित्सा केंद्र है, गौशाला है, बिजली है, खेती से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शामिल है. भाइयों और बहनों, इन प्रोजेक्ट के साथ ही आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं. ये घोषणा अमेठी की नई पहचान, नई शान से जुड़ी हुई है. कितने ही बड़े बड़े लीडर यहां आए होंगे, अब भविष्य में अमेठी उनके नाम से नहीं, आज जो योजना मैं लाया हूं उसके नाम से जाना जाएगा. भाइयों और बहनों, अब कोरबा की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दुनिया की सबसे आधुनिक उन बंदूकों में से एक AK-203 यानी कलांस्कोव राइफलों की सीरीज का सबसे नवीन हथियार ये हमारे अमेठी में बनाया जाएगा. ये राइफलें
रूस और भारत का एक ज्वाइंट वेंचर मिलकर बनाएगा। थोड़ी देर पहले हमारे देश की पहली रक्षा मंत्री निर्मला जी ने रूस के राष्ट्रपति जी का संदेश भी यहां पढ़ा है। मैं अपने और भारत के बहुत करीबी दोस्त राष्ट्रपति पुतिन का इस साझेदारी के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये ज्वाइंट वेंचर बहुत कम समय में उनके सहयोग से संभव हुआ है। उनके मित्रतापूर्ण संदेश और शुभकामनाओं के लिए भी मैं राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बहुत आभारी हूं। साथ ही इस ज्वाइंट वेंचर से जुड़े रूसी मित्रों को भी मैं धन्यवाद और बधाई और इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कुछ लोग दुनिया में घूमते घूमते बताते रहते हैं, हर गांव में जाके मेड इन उज्जैन, मेड इन जयपुर, मेड इन जैसलमेर, मेड इन बड़ौदा भाषण करते रहते हैं। उनके भाषण भाषण ही रह जाते हैं, ये मोदी है। अब मेड इन अमेठी, ये मेड इन अमेठी, मेड इन अमेठी 103 राइफलों से आतंकियों और नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में हमारे सैनिकों को निश्चित रूप से बहुत बढ़त मिलने वाली है।